हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो और मस्त हो, आप सबकी हर इच्छा पूर्ण और वो हर इच्छा आपकी पूर्ण होती जाए, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ। आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आप सबका सोल पर्पज पूरा हो, आप सबकी रियूनियन हो। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर, मेरी दिल से दुआ है, मेरे ईश्वर से दुआ है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो और आप सब लोग हमेशा पॉजिटिव रहें और जितना हो सके मेडिटेशन करें, अपने ऊपर बैलेंस बनाए, पेशेंस रखें, सफलता जरूर मिलेगी डियर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे सफलता मिले। आप कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो क्वालिटी है जो आप हर कुछ पा सकते हो। बस कुछ प्रोसेस है, कुछ ऐसे लाइफ में परेशानियां आती है और इस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, जहां मुझे दर्द, पेन, सेपरेशन मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें आगे जब ग्रोथ आने वाला होता है तो हमारे लाइफ में ये परेशानियां आती है और स्पिरिचुअल ऐसा रास्ता है कि इस प्रोसेस से हमें गुजरना ही पड़ता है। अच्छे से आगे बढ़ते रहो, आगे आपकी मंजिल है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत सारे अवेयरनेस आपके लाइफ पे। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर, गॉड ब्लेस यू। तो डियर, जो मैंने आज वीडियो जो बनाया है, ये जो वीडियो है आपके साथ 72 घंटे में, आने वाले वीक में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो डियर, ये जो वीडियो है, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सब है डियर। ये ऑल साइन के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए है, मेल, फीमेल, सबके लिए है डियर। इसलिए पॉजिटिव होकर ये वीडियो सुनिएगा। जब भी आप वीडियो सुने, हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, लंबी सांस लेकर ये वीडियो सुने, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, निगेटिव ना हो। नहीं तो दिमाग में निगेटिविटी रहेगी, तो ये वीडियो जो भी आप देखोगे जिसमें पावर भी होगी, तो आप निगेटिव सोचोगे तो आपको निगेटिव ही लगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, ताकि जितना पॉजिटिव उतनी जल्दी आपको सफलता डियर। तो डियर, ये जो वीडियो है ऑल साइन के लिए, क्या होने वाला है 72 घंटे में आपके लाइफ में डियर, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ डियर, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो इंतजार कब तक, किस चीज का इंतजार। हो सकता है आपके लव का इंतजार हो, आपके पार्टनर का इंतजार हो, करियर में कुछ आपके जॉब का इंतजार हो, या फिर फाइनेंस को लेकर आप सोचो तो उसका इंतजार हो। कुछ ना कुछ आप वेट करो, इंतजार करो और सोच रहे हो कि इंतजार कब तक, या खुद अपने आप से पूछ रहे हो आने वाले 72 घंटे में। आपको लेकर बहुत ही कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है डियर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये आने वाले 72 घंटे में डियर। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है आपके आपके पार्टनर ही होंगे डियर, जो आपके लिए लव फील करे, बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले 72 घंटे में। आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आने वाले वीक में, ऐसी एनर्जी उनकी हो रही है डियर। अगर आप इस जर्नी को समझ रहे हो, अगर आप सोल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर इस जर्नी के बारे में आप समझ रहे हो डियर, तो आपको पता ही होगा कि ये इस जर्नी में क्या होता है। अगर इस जर्नी को समझ रहे हो, इस कनेक्शन में हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लिया होगा और समझ लिया होगा। बहुत लोग की शादी का कमिटमेंट मिलने वाला है, या फिर खुल के आपसे इजहार कर सके इन 72 घंटों में डियर, आपके पार्टनर है ना, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, वो आपसे कुछ कहना चाहेंगे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट भी हो जाएगी और खुलकर इजहार कर देंगे कि आने वाले समय में आपको कमिटमेंट देंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है, जो पर्सन आपको लाइक करते हैं, लव फील करते हैं डियर, तो मैं देख रही हूँ आप मिस कर रहे हो डियर। इस 72 घंटे में आपकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए फील करोगे, बहुत ऐसी एनर्जी आएगी, बस मुझे मेरे पार्टनर से बात करना है, मेरे पार्टनर, सिर्फ मेरे पार्टनर। आप लोग ऐसे जपा जाप करोगे डियर आने वाले समय पर, आप भी सो नहीं करोगे, अंदर ही अंदर फील करोगे। लेकिन क्या है कि आपको लेकर वो सोच रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी आपको आएगी 72 घंटे में डियर। तो और घर में कहीं ना कहीं देखिए, घर में आप भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन आपने बैलेंस कर लिया होता, आने वाले समय में कर भी लोगे। तो मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है डियर, आपके पर्सन जो भी हैं, जहां हैं, जैसे हैं, थर्ड पार्टी है,
हो सकता है पेरेंट्स हो या फिर जहां आपके पार्टनर या फिर आपके पार्टनर कहीं भी हो, कहीं ना कहीं कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, वहां पे इस 72 घंटे में कुछ ऐसा माहौल बनेगा जहां झगड़े लड़ाइयां होंगी। और इस झगड़े लड़ाई से क्या होगा कि पार्टनर आपकी ओर बढ़ना शुरू करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, खुलकर इजहार कर पाएंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, अभी आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं। जहां आपको लेकर झगड़े तो होंगे डियर, पेरेंट्स के साथ हो या फिर कार्मिक के साथ हो, कहीं भी हो झगड़े तो होंगे डियर इस 72 घंटे में। मन मुटाव होगा, कहीं ना कहीं आपको लेकर भी होगा डियर उस घर में। अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आपके पार्टनर मैरिज की बात करेंगे, आपसे मिलने की बात करेंगे, तो उनके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे डियर कि आपसे कॉन्टेक्ट हो, आपसे बात हो, आपसे मैरिज हो। उसके लिए कहीं ना कहीं घर में झगड़े लड़ाई होंगे। और आने वाले समय में अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं या आपके साथ या आपके पार्टनर के घर में झगड़े लड़ाई का माहौल बन रहा है डियर। इसलिए आप लोग अभी से, इस वक्त से आप लोग बैलेंस बनाकर रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, बैलेंस में रखना। कुछ भी निगेटिविटी आएगी उसको भी आप झेल लेना डियर, क्योंकि ये आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी ग्रोथ की वजह से होगी। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि झगड़े की जो वजह बनोगे, कहीं ना कहीं आप बनोगे, क्योंकि आपके पार्टनर के फैमिली नहीं चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं। अभी कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई का माहौल बनने वाला इस 72 घंटे में डियर। स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, मैं क्या करूं, कैसे कांटेक्ट करूं आपसे। कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत लोगों को कांटेक्ट ना हो, उनकी एनर्जी ऐसी हो रही है डियर। तो मैं देख रहा हूँ आपको लेकर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर भी सोचेंगे क्या करूं क्या ना करूं, वो न्यू बिगिनिंग चाहेंगे डियर। इस 72 घंटे में आपसे मिलने की बहुत कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और अचानक से बोल सकते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, खुलकर तुमसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। आने वाले 72 घंटे में आपके साथ ऐसी एनर्जी पिक हो पा रही है डियर। तो आपको आपके पार्टनर खोना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं डियर, चाहे वो जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस माहौल में हो, जिसको जैसे लेना है, थर्ड पार्टी कैसी है, कौन है, तो डियर ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है 72 घंटे में वहां मन मुटाव होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपकी और आपके पार्टनर खींचेंगे डियर, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशन और आपकी शक्ति और आपकी भक्ति डियर ये काम आने वाली है। मैं देख रही हूँ अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं आपको मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, और कुछ के पार्टनर भी सोच रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए, और उनके पार्टनर नहीं चाह रहे डियर। और आप जो व्यूअर्स हैं उनकी भी कुछ लोग की मैरिज की बात होगी, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और सोचने लगोगे, लेकिन ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि आने वाला समय जो भी आप मैनेज कर लोगे, आपको उनको लेकर ऐसा फील होगा कि मैं आज इसी वक्त उनके साथ साथ चली जाऊं, ऐसा आप एनर्जी फील कर पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं हर चीज बर्दाश्त कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो कि समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये मतलब आप अगर उनके लाइफ से चले गए डियर, आप सोचते भी हो कि आपके पार्टनर की एनर्जी आप पिक करते हो कि आप उनके लाइफ से चले गए, तो आपके पार्टनर जो है बिल्कुल एक पागल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे पागल हो जाता है, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, पागलपंती, ऐसा एनर्जी उनकी पिक होने लगेगी। ये आप सोचोगे डियर कि मैं उनके लाइफ में ना जाऊंगी तो मेरे पार्टनर इस तरह करेंगे, ये सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी रहेगी डियर कि आप उनके लाइफ में नहीं मिले तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पाना चाहते हैं किसी भी हाल में, क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए सोचेंगे डियर 72 घंटों में। ठीक है, नींद बिल्कुल आपके पार्टनर को नहीं आ रही है, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, आपसे कैसे एक्शन लेना है, कैसे आपसे बात करना है, कब किस समय आपके साथ ऐसे बात करूं और आपके साथ कैसे जिंदगी बिताऊं, ऐसी एनर्जी रहने वाली है 72 घंटे में। आपने साथ दिया है, जैसे भी साथ दिया है, जिस प्रकार से आपने साथ दिया है, वो खुद को बहुत ही लकी मानते हैं कि आपने उनको प्यार दिया, साथ दिया। अकेले जैसा फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे डियर, लेकिन वो बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी जो उन्हें मिलती है तो बहुत कभी कभी लव फील करते हैं आपको लेकर। दोनों की एनर्जी यहाँ मैं देखूंगी 72 घंटे में एक जैसी होने वाली है। आने वाले टाइम में गुस्सा बढ़ेगा, फाइट होगा डियर थर्ड पार्टी से। आने वाले समय में थर्ड पार्टी से गुस्सा बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फाइट भी होगा डियर। कुछ के पार्टनर सब नहीं है डियर, कुछ के जिन्होंने बैलेंस अभी नहीं किया, कुछ के पार्टनर
मैं देख रही हूँ सभी के नहीं, कुछ के पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लर्टिंग कर रहे हैं, टाइम पास करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे आपको भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां भी दाल गलने वाली नहीं है डियर, क्योंकि वहां से भी झगड़े ही लड़ाई शुरू होंगे। कितना भी आपके पार्टनर कहीं भी जाए, जहां जाएंगे इस वक्त झगड़े लड़ाई होंगे डियर, मनमुटाव होगा, फाइट होगा आने वाले 72 घंटे में। इसलिए आप अपने ऊपर जैसे बैलेंस बनाया, जितना विश्वास किया है, ये विश्वास की जर्नी है डियर, जंग आप जीतोगे। आने वाले टाइम में उन्हें बहुत याद आने वाली है और आपकी तरफ वो बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन उनका खत्म नहीं होता है, हर समय हर वक्त वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन डियर कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, बस ये एनर्जी है आपके 72 घंटे में जो होने वाली है आपके लाइफ में डियर। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत अच्छा करियर में भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अच्छा आएगा, कुछ आप करियर में कुछ अच्छा कर पाओगे, या फिर सोच रहे हो, या फिर फाइनेंस की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी डियर आने वाले 72 घंटे में। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छी चीज मैनिफेस्ट कीजिए। इसलिए अभी मैं यही बोलूंगी, खुद पर बैलेंस कीजिए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। और ये थी आने वाले 72 घंटे की एनर्जी डियर आपके और आपके पार्टनर की। तो डियर अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज रखिएगा, नहीं करता है छोड़ दीजिएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।